3 किलोवाट के सोलर सिस्टम का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और आज एक सामान्य घर के लिए भी 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम परफेक्ट रहता है, क्योंकि आज हमारे घरों में काफी ज्यादा उपकरण भी हो गए हैं, जैसे कि फ्रिज, पंखे, कूलर, वॉशिंग मशीन। इसके अलावा काफी घरों में एयर कंडीशनर का भी उपयोग किया जा रहा है। तो आजकल लगभग सभी के घरों में जो बिजली की खपत है काफी बढ़ गई है। वैसे तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप प्रतिदिन 15 यूनिट तक खपत कर सकते हैं तभी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, अदरवाइज आप इससे बड़ा या छोटा सिस्टम भी लगा सकते हैं। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप सब्सिडी पर भी लगा सकते हैं और ऑफ ग्रिड भी लगा सकते हैं, जिसमें आपको बैटरी बैकअप मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसको ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है, जिसके ऊपर हमें सब्सिडी मिलती है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें बैटरी का उपयोग नहीं होता, तो बैटरी बदलने का झंझट नहीं होता, बैटरी का जो खर्चा है वो भी बच जाता है। तो यहाँ पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो 3 किलोवाट का आपको मिल जाएगा लगभग 1,80,000 रुपए में, और इसके ऊपर 78,000 रुपए की फिलहाल सब्सिडी मिल रही है। तो मोटा मोटी 1,00,000 रुपए में आप 3 किलोवाट का सिस्टम अपने घर पर लगा सकते हैं। और अभी 3 किलोवाट का सिस्टम लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी सोलर पैनल की कीमत भी कम हो चुकी है और गवर्नमेंट ने सब्सिडी अमाउंट भी बढ़ा दिया है। तो अगर अभी 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइम है। लेकिन क्या आपके लिए ऑन ग्रिड सिस्टम बेस्ट रहेगा? तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके घर पे लाइट कितनी देर आती है, यानी कि बिजली कितनी देर रहती है। यहाँ पर अगर आपके घर पे बिजली लगभग 24 घंटे रहती है तभी ऑन ग्रिड आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर रात को भी बिजली चली जाती है तो आपको वहां पर भी बैटरी बैकअप की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में फिर आपको ऑन ग्रिड के साथ में अलग से इन्वर्टर बैटरी का सेटअप लगाना पड़ेगा और फिर आपका वैसे ही खर्चा बढ़ जाएगा। और अगर आपके यहाँ पर दिन में भी पावर कट रहता है तो ऑन ग्रिड आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर आपको ऑफ ग्रिड की तरफ ही जाना चाहिए। यहाँ पर ऑफ ग्रिड 3 किलोवाट का सिस्टम आप अलग अलग इन्वर्टर की मदद से लगा सकते हैं, क्योंकि काफी कंपनियों में ऐसे इन्वर्टर मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसी कंपनी का इन्वर्टर ले सकते हैं जिस पर कम बैटरी लगती है, और अगर आपका बजट अच्छा है, अधिक बैटरी बैकअप चाहिए, तो आप ऐसा इन्वर्टर ले जिस पर आप ज्यादा बैटरी लगा पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसका बजट कम है, तो यहाँ पर उसके लिए है लुमिनस कंपनी का सोलर वाटर प्रो PCU 3 KVA का और 36 वोल्ट के अंदर ये आता है, यानी कि 3 बैटरी से ही आपका काम चल जाएगा। इसकी पैनल कैपेसिटी 3500 वोल्ट है, तो 3500 वोल्ट के पैनल आप लगा सकते हैं। जिसको भी 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है और कम बैटरी के साथ तैयार करना है, उसके लिए यही सोलर इन्वर्टर सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आसावार कंपनी में भी आपको 3 KVA का और 36 वोल्ट का इन्वर्टर मिलता है, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस रहने वाली है कि कौन सी ब्रांड आपको पसंद है। दोनों ही कंपनी के इन्वर्टर 3 बैटरी के ऊपर ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पर प्राइस की बात करें तो लुमिनस कंपनी वाला आपको लगभग 30,000 रुपए में मिल जाएगा, और इसकी लोड कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 किलोवाट ही रहने वाली है। तो ये इन्वर्टर उनके लिए है जिसको 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने हैं, जिसको लोड 3 किलोवाट का चलाना है उसके लिए ये इन्वर्टर सही नहीं रहेगा, उसको फिर 5 KVA का सोलर इन्वर्टर लेना होगा। तो 5 KVA का सोलर इन्वर्टर आप वैसे तो किसी भी कंपनी में ले सकते हैं, आपको UTL में मिल जाता है, लुमिनस में मिल जाता है, वारी में मिल जाता है, तो ऐसी तमाम कंपनियों के अंदर आपको 5 KVA के इन्वर्टर मिल जाते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी ब्रांड का आप 5 KVA का MPPT टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो आप माइक्रोटेक कंपनी में भी 5 KVA का इन्वर्टर लेंगे तो वहां पर 5 KVA का MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर 5 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट करता है और लगभग 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो ऐसे आप 5 KVA के इन्वर्टर से एक फ्यूचर प्रूफ सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जिस पर अभी आप 3 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं और बाद में आप उसे 5 किलोवाट तक बढ़ा सकते हैं। तो जिसका बजट अच्छा है उसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये 5 KVA का ही इन्वर्टर ले। इसके ऊपर आपको 4 बैटरी लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर एक बैटरी का कॉस्ट भी आपका अधिक हो जाता है और जो इन्वर्टर की कॉस्ट है वो भी अधिक हो जाती है। तो जिसका बजट अच्छा है उसी के लिए ये सेटअप रहने वाला है। तो यहाँ पर 3 किलोवाट के सोलर पैनल की बात करें तो मार्केट में वैसे तो पॉलीक्रिस्टलाइन मोनोपर्क हाफ कट बाईफेसियल जैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा मोनोपर्क हाफ कट। हालांकि अगर आप चाहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन यूज करना तो कर सकते हैं, लेकिन वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसकी इफिशियंसी भी कम है, हालांकि थोड़े से सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन सस्ते के चक्कर में आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसके बजाय आप मोनोपर्क हाफ कट यूज करें या बाईफेसियल यूज करें। बाईफेसियल के साथ में भी एक दिक्कत है कि बाईफेसियल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए आपको पैनल के पीछे का जो सरफेस एरिया है वो व्हाइट रखना होगा। आप छत पर लगा रहे हैं तो आपकी छत आपको व्हाइट करनी होगी, तभी बाईफेसियल टेक्नोलॉजी का ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मोनोपर्क हाफ कट या बाईफेसियल टेक्नोलॉजी के 3 किलोवाट के सोलर पैनल आपको 60 से 65 हजार रुपए में बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी अगर आप खरीदेंगे तो लगभग 70,000 रुपए में 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल मिल जाएंगे। अब बात करें बैटरी की, तो बैटरी आपको काफी कंपनियों में 150 AH की मिल जाती है लगभग 13,000 रुपए में, और यहाँ पर काफी कंपनियों में ये 11,000 रुपए में भी मिल सकती है। तो जिस कंपनी की आपको बैटरी पसंद आती है या जो ब्रांड आपको पसंद है उस ब्रांड का ले सकते हैं। लुमिनस, UTL, माइक्रोटेक जैसी कंपनी में आपको 12 से 13,000 रुपए में 150 AH की बैटरी बड़े ही आराम से मिल जाएगी। यहाँ पर जो बैटरी की कीमत है वो उसकी वारंटी पर भी डिपेंड करती है। अगर 3 साल की
की वारंटी में लेते हैं तो लगभग 12 से 13 हज़ार में मिल जाएगी। अगर 5 साल की वारंटी में लेते हैं तो लगभग 14 से 15 हज़ार रुपए में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं लुमिनस सोलर वाटर प्रो पीसीयू के साथ में, जिस पर 3 बैटरी लगती है, तो वहाँ पर 3 बैटरी की कॉस्ट हो जाती है लगभग 40 हज़ार रुपए। वहीं पर अगर आप 5 kVA के इन्वर्टर के साथ जाते हैं जहाँ पर 4 बैटरी लगती है, तो वहाँ पर 4 बैटरी की कॉस्ट हो जाएगी लगभग 50 हज़ार रुपए। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि आपका बजट कम है तो आप 3 kVA का इन्वर्टर लें जो कि 30 हज़ार में मिलेगा, बैटरी 40 हज़ार की, तो 70 हज़ार में इन्वर्टर बैटरी का सेट तैयार हो जाएगा। वहीं पर 5 kVA का इन्वर्टर लेंगे तो 50 हज़ार का इन्वर्टर और 50 हज़ार की बैटरी, तो आपका 1 लाख रुपए में इन्वर्टर बैटरी का सेट तैयार होगा। और इसके अलावा स्टैंड का, वायरिंग का, गिट्टी का और फिटिंग के लिए पाइप का भी खर्चा होता है जो कि लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए तक हो सकता है। ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितनी हैवी वायर का यूज कर रहे हैं और आपकी जो वायर यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी ज्यादा है, तो इसी के ऊपर ये खर्चा डिपेंड करता है। हालांकि यहाँ पर अर्थिंग, एले और कुछ सेफ्टी डिवाइस भी लगती है, तो जैसे जैसे आप कंपोनेंट को ऐड करते हैं वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन एक एस्टीमेट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 15 से 20 हज़ार रुपए आपका इसका खर्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 बैटरी के साथ में अगर आप जाना चाहते हैं, 3 किलोवाट का सिस्टम तैयार करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका टोटल खर्चा आएगा लगभग 1,60,000 रुपए के करीब। और अगर आप जाते हैं 5 kVA के इन्वर्टर के साथ जो कि फ्यूचर प्रूफ सिस्टम बन जाएगा, उसके साथ में आपका खर्चा आएगा लगभग 1,90,000 रुपए के करीब। तो यहाँ पर लगभग 30,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने सिस्टम पर और आपका सिस्टम फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। बाद में सिर्फ आपको सोलर पैनल बढ़ाने हैं और आपको कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 3 बैटरी वाले में आपको अगर एक्स्ट्रा पैनल लगाने हैं, यानी कि 4 किलोवाट या 5 किलोवाट के पैनल लगाने हैं, तो आपको इन्वर्टर भी बदलना पड़ेगा, बैटरी भी बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पैक आपके पास में है, ऑन ग्रिड का है 1 लाख रुपए में लगवा सकते हैं, और 3 बैटरी वाला है लगभग 1.5 लाख रुपए में लगवा सकते हैं, 4 बैटरी वाला है लगभग 2 लाख रुपए में लगवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोटा मोटा प्राइस बताया है, एग्जैक्ट प्राइस आप अपने डीलर से पता करेंगे, आपके नियर बाय में जो भी डीलर है उससे आप पता कर सकते हैं। और किसी भी एक कंपनी से पता करके ये ना लगवाएं, अलग अलग कंपनियों से अलग अलग रेट ले। किसी कंपनी की आपको बैटरी अच्छी लगती है तो उसकी बैटरी भी खरीद सकते हैं, किसी का इन्वर्टर अच्छा लगता है तो इन्वर्टर भी खरीद सकते हैं। अगर किसी ब्रांड का पूरा सेट भी लगाना चाहते हैं तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ आती है तो आपको सिर्फ एक कंपनी को ही बताने की जरूरत है। अदरवाइज काफी बार ये होता है कि अगर आप अलग अलग कंपनियों के इन्वर्टर बैटरी पैनल लगा लेते हैं, ऐसे में अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो बैटरी वाली कंपनी इन्वर्टर को ब्लेम कर सकती है कि आपके इन्वर्टर में दिक्कत है या पैनल से करंट नहीं आ रहा है, इसलिए बैटरी में दिक्कत है। तो ऐसे में इस सभी झंझट से बचने के लिए आप किसी भी एक कंपनी का सिस्टम लगवा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगर इसके बारे में अभी भी आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।